मैं किसी यूट्यूबर से शादी नहीं कर सकती, एक प्रैंक वीडियो जो बनाता है अलग अलग लड़कियों के साथ, जिससे मुझे प्रॉब्लम होगी। मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे हर्ट होगा, तुम मुझे एक सेटल्ड लाइफ चाहिए थी, तो मुझे लगा कि तुम चेंज नहीं होगे, तुम ऑब्वियसली अपनी। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब मस्त होगे और बिंदास होगे। तो गाइस, आज बहुत टाइम बाद प्रैंक होने वाला है मुस्कान के ऊपर। कॉज यार, मुस्कान का कॉल आया, उन्होंने बोला कि यार मैं आपके एरिए में ही हूँ, तो एक बार मिल लो। मैंने कहा चलो यार, सोचो इसे थोड़ा सा यादगार बनाते हैं, क्यों ना एक प्रैंक किया जाए। तो आप लोग वेट करो और मैं भी वेट करता हूँ कि कितनी देर में वो यहाँ पर पहुँचती हैं। लेट्स सी क्या होने वाला है, बने रहो आप सब और सब्सक्राइब कर लो चैनल पर नए हो तो। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले वेट तो कर ले यार। हाय। हेलो, क्या हो? मैं बढ़िया, बैठो। आप बैठो। और सब ठीक? परफेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। साड़ी में अच्छी लग रही हो यार। थैंक यू। वैसे भी तुम्हें मैं साड़ी में अच्छी लगती हूँ ना। हाँ, मुझे क्या यार, सबको ही अच्छी लगती थी तुम हमेशा वीडियोस में। बट ये चूड़ा, अरे ये मेरी शादी हो गई ना, तुम्हें नहीं पता क्या? मजाक कर रही हो? तुमसे क्यों मजाक करूंगी यार, शादी हो गई है तो हो गई है। शादी हो गई है, पागल हो रहे हो क्या? मतलब जल्दी में हुई ना, इसलिए मैं बता भी नहीं पाई तुमको। बहुत जल्दी में हुई, कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई थी कि करना पड़ा। मजाक कर रही हो? मंगलसूत्र तो है नहीं तुम्हारे गले में? मॉडल लड़की हूँ, मंगलसूत्र पहन के चलूंगी क्या? कैसी बातें कर रहे हो यश, तुम भी ये सब बोल रहे हो? अरे नहीं, मतलब यार होता है ना, पहनते हैं लोग तो, बट ऐसा नहीं है। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ, तुमने मेरे साथ इतने सारे प्रैंक्स करे, हम लोगों ने इतनी सारी स्टोरीज वीडियोस वगैरह सब कुछ शूट किया। ठीक है, ठीक है। तो तुम्हें मैंने बताया था कि मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। हाँ। और तुमसे भी मैंने बोला था कि तुम चाहो तो तुम मुझसे शादी कर सकते हो। मैंने तुम्हें अप्रोच किया था, मैं रोई थी तुम्हारे लिए। और हाँ। तुम्हें मैंने ये तक बोला था कि तुम अपना काम छोड़ दो, बट तुमने बिल्कुल डिनाई कर दिया था कि मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा किसी के लिए भी, ये मेरी जॉब है। हाँ, मेरा घर चलता है इससे। अच्छा। और सेम मैं कभी नहीं तो छोड़ सकता इसको। प्रॉब्लम है, मुझे लगा कि तुम कभी चेंज नहीं होगे, तो इसीलिए मेरे फियांस जो थे वो थोड़े से होने लगे कि तुम इतनी सारी वीडियो शूट कर रहे हो उसके साथ, ऐसी ऐसी वीडियोज आ रही है तुम दोनों की, क्या है नहीं है। तो जस्ट उनका माइंड क्लियर करने के लिए मैंने उनको बोला कि एक काम करते हैं, हम लोग शादी कर लेते हैं। ओके। तो उनकी फैमिली भी अग्री हो गई थी, उन्होंने उनको भी अब ट्रस्ट लाने कोई और तरीका बचा ही नहीं था मेरे पास। ओके। तो सडनली ये सारी चीज़ें हुई, कोई शोर शराबा नहीं, एकदम आराम से हम लोगों की शादी हम लोगों ने एकदम आराम से जल्दी में कर ली, समझे? तो मैं यहीं से आ रही थी तो मैंने सोचा, तभी मैंने तुम्हें फ़ोन किया था कि यश अगर हो फ्री तो मिल लो एक बार। सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यही यार, अब ट्रस्ट में किस तरीके से दिलवाती हूँ उनको, कोई तो तरीका अपनाना था ना मुझे, क्या करती मैं। बट मुझे ये लगा था कि तुम बदलोगी मेरे लिए, कि यार काम है अगले का, इससे घर चलता है, चल यार कोई बात नहीं। यार देखो यश, मैंने तुम्हें कंडीशंस बताई थी कि मैं किसी यूट्यूबर से शादी नहीं कर सकती, एक प्रैंक वीडियो जो बनाता है अलग अलग लड़कियों के साथ, जिससे मुझे प्रॉब्लम होगी। मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे हर्ट होगा, तुम मुझे एक सेटल्ड लाइफ चाहिए थी, तो मुझे लगा कि तुम चेंज नहीं होगे, तुम ऑब्वियसली अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते किसी के लिए भी, ये तुम्हारा काम है, तुमने मुझे बताया इससे तुम्हारा घर चल रहा है, तो मेरे को तो लाइफ में मूव ऑन होना था। ओके, वेल कंग्रेचुलेशन। थैंक यू, बहुत अच्छा किया आपने। हाँ, सही फैसले लेने का हक सबका बनता है, और सही टाइम पे। टाइम मे बी हमारा टाइम भी ठीक ही था, बट हमारी कंडीशन ही ऐसी थी कि कंडीशन नहीं थी यार, वो बस यही है कि मैं इसके अलावा नहीं कर सकता यार, कुछ और मेरे दिल में था ही नहीं। मेरे को यही मतलब, मेरा एक यूट्यूबर बनने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, और मेरी मॉम ने मुझको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था हमेशा से ही, तो ये उनका सपना था कि चल हाँ ठीक है, अगर मैं कुछ बनना चाहता हूँ तो उन्होंने जी जान लगा ली थी मेरे लिए, ठीक है। और अब वो है नहीं, अब मैं इस चीज़ से पीछे कैसे हट सकता था? तो दैट्स वाई ना, मुझे पता था कि तुम्हारा फैसला कभी चेंज नहीं होगा, तो मुझे शादी करनी पड़ी। मुझे मेरे फियांस को भी ट्रस्ट जो उन्होंने मेरे ऊपर बना रखा था वो ब्रेक होता कल की डेट में, तो मैंने बोला कि आप शादी कर लो। उनको लगता था कि तुम्हारा और मेरा कुछ चल रहा है, बैकअप में चल रहा है। हाँ जी। ओके। तो उनको ड्रेस दिलवाने के चक्कर से, बाकी मैंने अपने फियांसे से बात करी है, हस्बैंड से मैंने अपने बात कर ली है, उन्होंने मुझे बोला है कि तुम शूट वगैरह कर सकती हो, क्योंकि उनको ट्रस्ट हो चुका है, उन्होंने बोला कि शूट वगैरह तुम कर सकती हो इसके साथ। अच्छा। हाँ, शादी हो गई, अब तो ट्रस्ट हो ही गया यार।
तो तुम्हें लेके आना चाहिए था ना, मुझे मिलवाना चाहिए था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, मैंने पता है क्या सोचा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि बहुत दिनों बाद मुस्कान आ रही है, मुस्कान के ऊपर प्रैंक करूँगा, माई कैमरा इज़ देयर, और यहाँ पे मुस्कान आके मुझे एक अलग सी न्यूज़ दिखा रही है, चमका रही है मुझको। मतलब तुम्हें बिल्कुल भी वो नहीं, इतने दिन के बाद लड़के थे, अभी भी तुम प्रैंक कर रहे हो। अरे मैंने ऐसा सोचा था यार। सोचते हो तुम इतना यार, इतना मत सोचा करो ना, हद हो गई। सच में यार ये तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। क्या करती मैं? कोई दिक्कत तो नहीं है कि मतलब ये चलता रहने दूं? कोई बात नहीं, कौन सा पहली बार है, पता लगना चाहिए लोगों को भी। हाय गाइस, मेरी शादी हो गई है। यार बट इतनी जल्दी ये तो नहीं सोचा था मैंने। ऐसा होता है ना, जो आदमी इंतजार करता है इंतजार में रह जाता है ना, ऐसा है। मूव ऑन, देखो मूव ऑन होना ना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, ठीक है। तुम अपना काम नहीं छोड़ सकते, और मैं एक ऐसे लड़के से शादी, देखो मेरी फैमिली की कंडीशन भी थी कि मतलब मेरा काम बुरा है क्या? नहीं, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छा काम करो। तुम्हारे या तो भाई हम बोल्ड या वल्गर कुछ एडल्ट थिंग्स बनाते हो। नहीं नहीं, तुम्हारे काम की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, बट सबकी लाइफ में तुम जानते हो अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं, सो दैट्स व्हाई मुझे पता था कि तुम नहीं चेंज होगे, तो मुझे करना पड़ा। बात रही फियांस की तुम्हें तुमसे मिलवाने की, तो धीरज रखो, मैं जरूर मिलवाऊंगी। फियांस ही है, हस्बैंड है, डाउट लग रहा है मुझे। अरे हस्बैंड है मतलब, अब हो गया ना, सडनली हुआ है ना सब कुछ, तो फियांस से माइंड से निकलता ही नहीं है। अच्छा हाँ। प्यार ने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो यार, और पब्लिक को ही पता है कि मतलब तुम पे साड़ी बहुत अच्छी लगती है, तुम जज हो मैं क्रिमिनल। उसमें जो इन्होंने साड़ी पहनी थी अमेजिंग थी यार। वेल अभी मेरा दिमाग थोड़ा सा वैसा हो रखा है कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। बोलो क्यों, बिल्कुल बोलो। देखो जो बट आपके लिए बहुत सारी विशेज, थैंक यू एंड आई एम सॉरी के चलो कोई नहीं, मतलब ऐसा बस ये है कि मेरे दिल में वो वाली फीलिंग्स आई नहीं थी कभी भी मुस्कान के लिए, जो मुस्कान के दिल में आ गई थी, मतलब कह सकते हो कि वन साइडेड चीजें थी। तो मूव ऑन होना तो इम्पोर्टेंट था ना गाइस। हाँ पड़ा ना, क्योंकि अधूरी चीज़ तो हमेशा अधूरी ही होती है, या तो अगर मैंने कुछ सोचा होता अपने माइंड में तो शायद मैं कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करता या मैं सोचता, बट आई एम हैप्पी फॉर यू। थैंक यू, वरना मैं बिना मतलब के बदनाम होता। वेल कंग्रेचुलेशन यार, थैंक यू। अच्छा लगा मुझे भी कि आपने अपनी लाइफ में अपने आप को सेट कर लिया है। करना पड़ता है यार, अब मैं मेरी एज भी तो हो चुकी थी ना, फिर अगर मैं सेट नहीं होंगी फिर आगे भी तो चीज़ें रखी है ना, हर चीज़ ना अपने टाइम पे हो जाए ना तो ज़्यादा अच्छा है। Exactly. नहीं तो हर चीज का एक एक्सपायरी होता है। उसको यूज करो ना यूज करो, वो एक्सपायरी उसका है, वो एक्सपायर होकर रहेगा। यार ये तो बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने। होता है तो वेल मेरे साथ में क्या शूट करोगे अब। मेरा प्रैंक तो खराब हो ही गया है। एंड स्टोरीज वगैरह बनती है, बनाओगे? हाँ तो मैंने बोला तो वो मेरे हस्बैंड अग्री हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है तुमसे। अच्छा, मैं तुमसे मिलवाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। मतलब अब वही है ना यार, अब तो ये उनकी प्रॉपर्टी है, उनका कब्जा है, और क्या कहते हैं उसको, फ्रेंड्स नाम की भी कुछ चीज होती है, जस्ट फ्रेंड्स लाइक। मैंने तो पहले ही बोला था कि मैं पहले भी बोलता था वीडियोस में, मैंने कहा देखो जैसा तुम सोचते हो ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड हो सकता है कोई हमें थोड़े टाइम के लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो उम्र भर हमें अच्छा लगे, और ऐसा नहीं है कि हर जो चीज़ अच्छी लगे उससे शादी की जाए यार, है ना, ये बात है ना, यही मैं समझा रहा था आपको। मैं बहुत रोई भी हूँ यश के लिए। अबे रोने वाली क्या बात है यार, अब एक बात बताओ, मैंने तो एक नॉर्मल एक वीडियो बनाई थी बस, और क्या रुलाया है वैसे मैंने। तो मैं वही बोल रही हूँ, जनता को सब पता है। वेल आई एम रियली सॉरी यार, एंड आपको अगेन कांग्रेचुलेशन। मैं तो खुश हूँ यार, मुझे क्या होगा, बस मेरे को तो ये लग रहा था मैं जो प्रैंक करने वाला था वो हुआ नहीं, तुमने मुझे सरप्राइज दे दिया। वेल कोई नहीं, हम अच्छे अच्छे वीडियोज बनाएंगे साथ में, वेरी सून। एंड कोई नहीं गाइस, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप बहुत सारी विशेष मुस्कान को दे सकते हो। सच में ऐसा है? अरे वीडियोस फोटोज दिखाऊं, कब मानोगे? नहीं नहीं यार, तुम कह रही हो तो ऐसा होगा यार, मेरे को इन चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग अपनी विशेष और बहुत सारा प्यार मुस्कान को दे सकते हो, एंड जल्दी हम अच्छी अच्छी वीडियोज के साथ में मिलेंगे। पक्का कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हारे उनको? नहीं, फोन पे बात करवा दूंगी तुम्हारी। मिलवा देना, मिलवा दूंगी, चलो। ओके, तो गाइस बहुत सारा प्यार बनाए रखना इनके ऊपर, एंड मैं कोशिश करूंगा कुछ अच्छा करने की, और जो वीडियोस आएंगी वो लोग आप लोग देखते रहना कभी हमारी। यार ये मैं नर्वस क्यों जाता हूँ, जब मतलब उम्मीद से अलग कोई काम होता है ना, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरी टंग ना थोड़ी स्लिप हो जाती है। वेल एनीवेज गाइस, अच्छा सुनो, चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, खाना खाना है?
चाय पीते हैं। चाय पियोगी गर्मी में? है क्या, कोई बात नहीं। चलो कोई नहीं गाइज, मैं हम दोनों चाय पीने जाते हैं एंड ऐसे ही प्यार मुझ पे भी बनाए रखना। लव यू गाइज एंड थैंक यू सो मच दोस्तों।